Exercise 11.3 of chapter 3 dimensional geometry. The question number 1 is, in each of the following cases, determine the direction cosines of the normal to the plane and the distance from the origin. Okay. The equation of the plane is z equal to 2. This can be written in the form of 0x plus 0y plus z equal to. ओके तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके रेशियो टू द नॉर्मल इज 0 0 1. ओके अब इनका हम लोग एक फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालते हैं. तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1. अब होल इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे बाई 1, 0 बाई 1 एक्स, 0y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 1 इक्वल टू 2. ओके अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी. ओके अब यहाँ पर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है और द डायरेक्शन कोसाइंस. और डी क्या है, डिस्टेंस. डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके अब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया, 0 0 1. डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गया 0 0 1 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट्स. डिस्टेंस 2 यूनिट्स. सेम क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ठीक वही डायरेक्शन रेशियोज हम शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ. डायरेक्शन रेशियोज आर 1 1 1. ओके द फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3. नाउ डिवाइड द इक्वेशन होल बाई रूट 3. जेड बाई रूट 3 इक्वल टू 1 बाई रूट 3. पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए और फिर सेम हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी. तो यहाँ से एल 1 बाई रूट 3, एम 1 बाई रूट 3 एंड एन इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और डी हो गया आपका 1 बाई रूट 3. तो यहां पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 बाई रूट 3 कॉमा 1 बाई रूट 3 एंड 1 बाई रूट 3 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 बाई रूट 3 यूनिट्स. ओके नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5. सिंपल सा डायरेक्शन रेशियोज आर 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1 एंड द फॉर्मूला 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके इट इज इक्वल टू द 4 प्लस 9 13, इट इज 14. ओके नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय रूट 14. 3 बाई रूट 14 इक्वल 5 बाई रूट 14. अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डिस्टेंस. तो नाउ डायरेक्शन
कोसाइंस आर हो जाएगा आपका 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14, एंड थर्ड इज -1 बाई रूट 14, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन इज 5 बाई रूट 14। ओके, बस जस्ट कंपेयर कर देना है इससे। और लास्ट फोर्थ वन है 5y+8 इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, तो -5y=8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x-5y+0z इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ से आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज आर ये हो जाएगा 0-5, 0। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे इसका, 0² + 0² तो ये भी आएगा आपका 5। ओके, फिर होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें, 0x/5 -5y/5 -0z/5 इक्वल टू 8/5। तब यहाँ से अब कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, LX+MY+NZ इक्वल टू D, यहाँ प्लस है 0z, तो यहाँ से L हो गया आपका 0 डायरेक्शन कोसाइन, M हो गया -1 और N हो गया 0 और D हो गया 8/5, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन डी इक्वल टू 8/5 एंड द डायरेक्शन को साइंस आर 0-1, 0, नो नीड ऑफ ब्रैकेट, 0-1, 0। द क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i+5j-6k। देखिए द गिवन वेक्टर है 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप। ओके, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द फॉर्मूला है इसका आर विद ए पॉजिटिव वेक्टर आर, तो ये हो जाती है आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी डिस्टेंस, और जो एन यूनिट वेक्टर है वो कैसे निकलता है, एन वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर है वो है 3i+5j-6k। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3² + 5² + -6² तो इट इज इक्वल टू द 3i+5j-6k, ऐड करेंगे 9+25+36 वी गेट 70 रूट 70। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, आर डॉट ये इक्वेशन है आर डॉट ये वेक्टर हो जाएगा हमारा 3i+5j-6k/√70। ओके, इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस हमको कितनी दी है, डी इक्वल टू दिया हुआ है 7, गिवन वेक्टर ये है और डी इक्वल टू 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डॉट 3i+5j-6k इक्वल टू 7√70। द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री इज फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। ओके, 1, 2 एंड 3
The given equation is this. So the r vector is a position vector. ओके विद ए पॉइंट कौन सा एक्स वाई जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आई एक्स जेड के. अगर किसी पॉइंट एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू आर डॉट यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे माइनस के इक्वल टू टू. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू टू. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन. सिमिलर वे में सेकेंड भी हो जाएगा. वही आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का और दूसरा वेक्टर है टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के इक्वल टू वन. आर की जगह क्या लिख लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप लगा देंगे टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के इक्वल टू वन. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू वन. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन. सेम इन द थर्ड थर्ड में दिया हुआ है आपका आर वेक्टर डॉट एस माइनस टू टी आई प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस प्लस टी के इक्वल टू फिफ्टीन. तो सेम प्रोसेस है. क्या करना है आर वेक्टर की जगह वही पोजीशन वेक्टर लगा देना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टू द प्रोडक्ट ऑफ यही सेम डॉट प्रोडक्ट एस माइनस टू टी आई प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस प्लस टी के इक्वल टू फिफ्टीन. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या हो जाएगा एस माइनस टू टी एक्स थ्री माइनस टी वाई और तीसरा टू एस प्लस टी जेड इक्वल टू फाइव. दिस इज द इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. Coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. The equations are 2x plus 3y 4z minus 12 equal to 0. 2x plus 3y plus 4z minus 12. Likhenge let the coordinates. Let the coordinate of the foot of perpendicular P from the origin. To the given plane. ये जो plane की equation दी है उसके लिए the given plane B क्या होंगे उसके coordinate X, Y, Z. जो P point है उसके coordinate ये हैं. और जो इक्वेशन दी है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12. फिर डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या आ जाएंगे 2, 3, 4. डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 4. अब इसका जो फॉर्मूला है पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के लिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4, 9, 16 ऐड करेंगे 29. पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 29 से रूट 29 3 बाई रूट 29 4 जेड अपॉन रूट 29 इक्वल टू 12 बाई रूट 29.
अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे क्या? एल एक्स प्लस एम वाई इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एलिमेंट का क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29 एंड 4 बाई रूट 29 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू 12 बाई रूट 29। और अब आगे हमको क्या करना है कि अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट वो क्या होते हैं? एल डी, एम डी और एन डी। तो हम लोग एल डी मतलब एल हो गया आपका 2 रूट 29 मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई रूट 29। सेकेंड 3 बाई 29 इंटू 12 बाई 29, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड हो गया 4 बाई रूट 29 मल्टीप्लाई टू 12 बाई रूट 29, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आ जाएगी 24 बाई 29, 36 बाई 29 एंड 48 बाई 29। इस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी पॉइंट। सिमिलर वे में अदर इसके और पार्ट्स आप बना लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 10-2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज आई जे माइनस के। सेम है, पासिस थ्रू द पॉइंट, द नॉर्मल वेक्टर प्लेन इज दिस। एक फर्स्ट बनाते हैं, सेकेंड आप अपने से ट्राई कीजिएगा। पासिस थ्रू द पॉइंट, ए पॉइंट इज 10-2 एंड हमको क्या पता करना है, इक्वेशन निकालनी है कि पासिस थ्रू द पॉइंट 10-2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन ये उसकी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन दी है आई प्लस जे माइनस के। द पासिस थ्रू यहाँ लिख देंगे, पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पता करना है, ठीक है। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज दिस, निकालते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ये जो पॉइंट हमको दिया हुआ है 10-2, तो इसका क्या हो जाएगा, ले लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 0j-2k। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर द प्लेन लिखते हैं, नॉर्मल एन वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो हमको क्या दिया हुआ है आई जे, आई प्लस जे माइनस के, इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, मतलब ये हो गया। तब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन बाय आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू 0। ओके, आर माइनस ए इक्वल टू 0। तो आर माइनस ए, आर वेक्टर को क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स आई एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर लेंगे, वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो आर माइनस ए, अब इसमें से घटाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए है आपका आई प्लस 0j-2k एंड नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट विद द आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1
जब इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस वन आई हो जाएगा, वाई जे रहेगा और ये रहेगा जेड प्लस टू के। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आपका आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू जीरो। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस जेड प्लस टू। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इन द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये आर कार्टेशियन है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ओके, अब दोनों को इक्वल करेंगे तो आर वेक्टर तो ये है, एन वेक्टर हमको दिया है आई प्लस जे माइनस के, और ए वेक्टर हमारा था आई माइन प्लस जीरो जे माइनस टू के। डॉट एन के साथ करेंगे तो ये आएगा आई प्लस जे माइनस के। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, तो यही रहेगा क्योंकि हमको यहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है, एक्स वाई जेड नहीं लेना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। और ये हो जाएगा आपका वन 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 प्लस थ्री। तो ये इक्वेशन हो गई इन दी वेक्टर फॉर्म। ये थी कार्टेशियन फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म।